आज हम प्ले करेंगे। क्या मैं चाबियां टेबल पर रखती हूँ या फिर डल्स? देखो, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पहले, डू या फिर डज। मैंने कल बताया था कि डू तो हमेशा प्लूरल के साथ होता है और डज हमेशा हमारे सिंगुलर के साथ होता है। तो क्या मैं आ रहा है तो मैं की इंग्लिश तो आई होती है, तो आई तो हमारा प्लूरल हो गया, तो क्या की जगह हम डू लिख सकते हैं? अगर मैंने लिखा कि डज आई तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्लूरल आ रहा है, तो ये हम इसके साथ डू ही लगाएंगे। तो मैं लिखूंगी डू आई पुट कीज ऑन द टेबल। मैं आप कहोगे कि क्योंकि डू आई पुट कीज ऑन द टेबल। डू आई पुट कीज ऑन द टेबल। You have two.
हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड टाइम लाइक ये सब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सेंटेंस बना सकते उसमें फर्क ये है हम ऐसे ही डिड की सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं।